हाय फ्रेंड्स, दिस इज केडी शिवम। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है डू व्हाट यू लव, वही करो जो आपको पसंद है, फॉलो योर पैशन। हाँ दोस्तों, हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो जॉब पे जाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, राइट। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपने पैशन के विरुद्ध हैं। उनको पसंद कुछ और है और करते कुछ और हैं, क्योंकि उनको ये कहा जाता है कि आपका जो पैशन है वो कुछ कमा के नहीं देगा, और सबसे बड़ा है रुपया, और उस पैसे को अहमियत देके ऐसी लाइन, ऐसे बिजनेस और ऐसे काम चुनते हैं जिसमें उनको कभी रुचि नहीं आती है। सिर्फ ओनली फॉर मनी, ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी दे वर्क। दोस्तों क्या काम किए, ये जिंदगी बहुत शॉर्ट होती है, राइट। तो ये जो शॉर्ट पीरियड में आप हैप्पीनेस जाओगे या पैसे के पीछे, जिस दिन आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आपके पास लाइफ नहीं होगी, तो क्या मतलब है बताइए। हाँ तो ये है, तो जिंदगी बहुत शॉर्ट है, फॉलो योर पैशन, बी हैप्पी। क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट होता है, आपका जब इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो वो हैप्पीनेस को साथ में लेके आता है। इन्वॉल्वमेंट प्लस हैप्पीनेस इज इक्वल टू लाइफ, दैट्स अ थिंग, एंड इट टेक्स टू यू सक्सेस, दैट्स अ थिंग, राइट। तो प्लीज फॉलो योर पैशन। दोस्तों अगर आप देखें तो आज हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों का जिससे आप इंस्पायर हो जाओगे। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट, राइट, सो दैट यू गेट इंस्पायर्ड, राइट। सो बी विथ अस टिल द लास्ट, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ओके, और वो बेल आइकन प्रेस करना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो का, ओके। तो प्लीज बी विथ अस, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड सर्वे ये बताता है कि 88% पीपल आर फेलियर्स इन देयर जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन और वट एवर, बिकॉज देयर इज एट द एंड ऑफ देयर जॉब और बिजनेस देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, एंड दैट्स वाई इट्स फेलियर, राइट। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमाए, पैसे भले कमाए लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, वो हैप्पीनेस नहीं मिलता है, एंड हेंस दे आर कॉल्ड दे हैव नॉट लिव्ड देयर लाइफ। लेकिन यहाँ ये जो 12% है ना, ये 12% लोग इसीलिए सक्सेसफुल बने हैं क्योंकि दे आर पैशनेट अबाउट देयर जॉब और वर्क दे आर डूइंग, राइट। कुछ भी हो, भले वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, ऑफिस का जॉब हो या स्वीपिंग हो, राइट, आप कोई भी काम करो लेकिन अगर आपका पैशन है, आपका इन्वॉल्वमेंट है, आप 110% सक्सेसफुल बनोगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो आपको हैप्पीनेस देता है, यू एन्जॉय योर वर्क, एंड एन्जॉयिंग समथिंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, यू हैव लिव्ड योर लाइफ, राइट। कुछ लोग देखिए, उसमें से एग्जांपल ले लेते हैं। कर्नल सैंडर्स, राइट, जो KFC के फाउंडर हैं, एट द एज ऑफ 60+, जब उनको कोई भी चीज ने साथ नहीं दिया, एट वन पॉइंट ही डिसाइडेड टू इवन क्विट हिज लाइफ। लेकिन उनको ऐसा लगा कि चलो एक बार और एक बार मैं मेरे पैशन को ट्राई करता हूँ, और उनका पैशन था चिकन रेसिपी, एंड ही वंस अगेन ट्राइड, एंड टुडे ही इज नोन एज KFC ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज भी ऐसा कोई KFC का पैकेट नहीं है जिसमें कर्नल सैंडर्स का फोटो नहीं हो, राइट, दैट्स कॉल्ड सक्सेस। नेक्स्ट, बोमन ईरानी, 3 Idiots, मुन्नाभाई MBBS, आप जानते हैं, टुडे इज वन ऑफ द वेल नोन वेल पेड एक्टर, राइट। इनका भी वही था, उन्होंने अपने पैशन को इस कदर फॉलो किया। ही सेज दैट इफ यू हैव पैशन इन योर हार्ट, इफ यू हैव पैशन इन योर हार्ट एंड फायर इन योर बेली, यू आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल, राइट। नो वन कैन स्टॉप फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल, दैट्स वॉट ही सेज, एंड ही हैज प्रूव्ड इट, he has proved it by pursuing his passion, right. Next, Sushant Singh, IIT national level pe 7th ranker, lekin unka passion tha acting ka, right, unka passion tha Bollywood, aur unhone prove kiya khud ko, that is what passion is. Successful bane IIT se nahi lekin as an actor, that's called following the passion, right. MS धोनी, कौन नहीं जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, राइट, कहां से कहां पहुंचा, जो बंदा TT, राइट,
टिकट कलेक्टर, जो बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में खुश नहीं दिख रहा था, प्लेटफॉर्म पे मायूस बैठा था, लेकिन वही बंदा जब क्रिकेट के मैदान पे आता है तो एक बड़ा स्माइल आ जाता है, क्योंकि पैशन आपको हैप्पीनेस देता है, जॉब देता है, वर्क देता है, मनी देता है, लेकिन साथ में जो एक वर्ड है हैप्पीनेस, वो देता है। एंड दैट इज व्हाट लाइफ मेंट फॉर, राइट? तो दैट इज एमएस धोनी, प्रभु देवा, अ पर्सन हु इज कॉल्ड एज ए रबर मैन, राइट? ऐसे ही रबर मैन नहीं बना है, पैशन को परस्यू किया, 14 आवर्स, 16 आवर्स, राइट? कंटिन्यूस प्रैक्टिस, एंड दैट मेड हिम कॉल्ड एज रबर मैन। एंड टुडे ही इज नोन, टुडे इज वन ऑफ द सक्सेसफुल डांसर, राइट? इंडिया का माइकल जैक्सन बोला जाता है, ऐसे ही। तो दिस इज व्हाट पैशन, ये इसीलिए इतने घंटे काम कर सकते हैं, इसलिए इतने इन्वॉल्व रह सकते हैं, क्योंकि उनको पैशनेबल है, दे डू व्हाट दे लव, दैट्स व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, प्लीज फॉलो योर पैशन, प्लीज डू व्हाट यू लव। व्हेन यू डू व्हाट यू लव, योर इन्वॉल्वमेंट कम्स इन, व्हेन इन्वॉल्वमेंट कम्स इन, यू गेट एन हैप्पीनेस, एंड द मेन थिंग इज द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। दोस्तों, ये जो इन्वॉल्वमेंट है, ये जो पैशन बोलते हैं ना, ये काम को किस कदर का शेप देता है वो बता है। वो चाहे चाय की किटली वाला हो, चाहे पॉटर हो, और चाहे वो क्रिकेटर हो, राइट? इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, इफ़ यू आर पैशनेबल अबाउट योर वर्क, देन ओनली द रिजल्ट कम्स आउटस्टैंडिंग, राइट और रॉन्ग, दैट्स अ थिंग। तो ये इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये इन्वॉल्वमेंट आपका पैशन दिलाता है। सो बी पैशनेबल, ओके? फॉलो योर पैशन, परस्यू योर पैशन लाइक एनीथिंग, लाइक दिस पर्सनालिटीज, एंड बिकम सक्सेसफुल। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे नेक्स्ट वीडियो का। ओके, बाय, टिल नेक्स्ट संडे, बाय।